एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि अब एमपी बीजेपी का गढ़ बन चुका है। पहले कोई भरोसा नहीं करता था कि 29 में से 29 सीटें हम जीत रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में जनता को सुशासन का भरोसा है। लंबे अंतराल के बाद देश में तीसरी बार कोई सरकार बनी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि 2003 के पहले एमपी का बजट सड़क में गड्ढे भरने के लिए ओवरड्राफ्ट हो जाता था। बीजेपी की सरकारों ने आर्थिक सुशासन लाया है। इस बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का संकल्प है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी और सरकार ने काम किया है। लगातार 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड एमपी को मिला है। डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि इस साल 3 और अगले साल 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। पीपीपी मोड में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 9 जिलों में पीपीपी मॉडल के टेंडर भी निकाले गए हैं। आयुष्मान योजना में 4 करोड़ से ज्यादा कार्डधारी हैं। बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। योजना के अंतर्गत कई हम इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्डधारी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये मोदी जी की 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में इलाज करने की योजना का यह परिणाम है कि हेल्थ सेक्टर में भी एक नई क्रांति आई। प्राइवेट सेक्टर के लोग अस्पताल खोल रहे हैं जो आम आदमी को राहत दे रहे हैं। दूर दराज इलाकों के भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारे देश में अपना इलाज कराने वाले नागरिकों की संख्या ही इतनी कम थी कि अस्पताल और स्वास्थ्य का क्षेत्र कैसे आगे बढ़ सकता। लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला झटाने वाला, खेतों में मजदूर करने वाला 5 लाख रुपए तक का हेल्थ सिक्योरिटी कवर लेके चल रहा है। और अस्पताल चलाने वाले लोगों को मालूम है कि गरीब आदमी जरूर है, लेकिन अस्पताल अपना इलाज कराने के लिए सक्षम है और उसके कारण तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल से बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति का ये परिणाम है कि इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आने वाले दिनों में इसको और आगे ले जाने की योजना है। 70 वर्ष से ज्यादा लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो अमीर क्यों ना हो, लेकिन 70 वर्ष से ज्यादा है तो उनको भी आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज देने की सुविधा देने का ऐलान केंद्र की सरकार ने किया है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे से भी अपने इलाज के लिए पैसा मांगने में जो संकोच करते थे, अब उनके जेब में भी आयुष्मान कार्ड रहेगा और वो कहीं भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।